मध्य प्रदेश का बजट पेश होने में अब कुछ वक्त शेष रह गया है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अब की बार एमपी का बजट कैसा होगा। 1 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में उद्योग जगत के लिए भी अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। ऐसे में एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विजनरी बजट पेश होने की उम्मीद जताई है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश 2023 का आम बजट आने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का ये बजट होगा, आम जनता के लिए क्या लोक लुभावन मन भावन ये बजट आपकी सरकार लेकर आ रही है? आपने केंद्र का बजट देखा, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट पेश किया उसमें दर्शन था 47 का। अमृतकाल में हम आज हैं और शताब्दी की तैयारी हम कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर का सबसे बड़ा सफलता का राज होता है उसका विजन। हमारे पास विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसा केंद्र ने विजनरी बजट जन कल्याणकारी बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश का बजट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और आप कल का इंतज़ार करिए, अच्छा बजट आएगा। इन्वेस्ट के मामले में मध्य प्रदेश को आप कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी साल है और ऐसे में जनता को सौगात देने की जो है सरकार कोशिशें करेंगी। उद्योग जगत को क्या कुछ मिल पाया है और इस बार बजट में क्या प्रावधान निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मिल? देखिए, उद्योग डेफिनेटली इकोसिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ है और उसी का रिजल्ट है कि जब GIS में जो हमको रिस्पॉन्स मिला, करीब 15.5 लाख करोड़ के इंटेंशंस टू इन्वेस्ट आए, उनसे 29 लाख का रोज़गार संभावित है। और अच्छी बात ये रही कि सभी डिविजन्स में इंटरेस्ट लोगों ने शो किया। हम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी अलग अलग सेक्टर की बना रहे हैं। तो जो हम इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो हम इंसेंटिव्स देते हैं उसका भी पहले काफ़ी टाइम तक वो पेंडिंग रहते थे, हम लोगों ने उनका भी डिसबर्समेंट बहुत फास्ट किया है और उसके रिजल्ट में थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट हमको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का मिला है और वही कारण रहा कि बहुत से लोग और ज़्यादा आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर कुछ कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए या शिवराज सिंह जी एज ए CM कुछ कह रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हमारे एडवोकेट बने, वो हमारे वकील बने और उसका रिजल्ट ये है कि हमको ये मिला। उसके बाद में शिवराज सिंह जी ने जो कहा 3 साल तक आपको अननेसेसरी परमिशंस की आवश्यकता नहीं, 3 साल तक आपको कोई अधिकारी इंस्पेक्टर राज जैसा वातावरण था पहले जाके आपको परेशान नहीं करेगा। ऑनलाइन पोर्टल्स पे हम मे आई हेल्प यू लेके आए हैं जिसके अंतर्गत आप वहाँ जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको CM खुद हर महीने मॉनिटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि एट एवरी स्टेज ऑफ योर एप्लीकेशन और फर्दर मोर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंटिल एग्जीक्यूटेड इन टू रियल टाइम इन्वेस्टमेंट कमिंग ऑन द ग्राउंड, लगातार निरंतर हमारे नोडल अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एक अंतर है पहले के उस प्रोसेस में और इसीलिए संभावनाएं इंटेंशन की परिवर्तित होने में, इन्वेस्टमेंट में और वो प्लांट उद्योग लगने के चांसेस कहीं ज़्यादा और बेहतर हैं। आपका ट्रम्प कार्ड है आपकी सरकार का लाडली बहना योजना, लेकिन ओपोजिशन कह रहा है कि ये वित्तीय भार बढ़ाएगी सरकार पर, प्रदेश पर, आप क्या मानते हैं? बहनें कौन से प्रदेश की हैं और बेटी कब से बोझ हो गई शिवराज सरकार के लिए? शिवराज सिंह जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए इस प्रदेश के जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा कि बेटी बोझ नहीं है। आज हर बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होती है। एक निश्चित उम्र की जब होती है उसको 1,18,000 रुपये मिलता है। अगर 21 साल की उम्र में उसको पैसा मिल गया और 23 साल की उम्र से हमने कहा कि उसको फर्दर मोर आगे बढ़ते हुए 1,000 रुपया महीना मिलेगा, पात्रता श्रेणी में आएगी, तो उसमें बुरा क्या है? बार त्यौहार जब भी बेटी घर आती है तो क्या कभी खाली हाथ बेटी लौटाई जाती है क्या? ये तो हमारी संस्कृति में है भाई, हमारा धर्म ये कहता है। तो बेटी को दे रहे हैं तो उसमें किसको कष्ट है? बहन बेटी का तो वैसे ही हक होता है। चुनावी स्टंट नहीं है, कांग्रेस कह रही चुनावी स्टंट लेकर आई है सर। तो क्या चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगी क्या? किसने कह दिया कि लाडली लक्ष्मी तब से चल रही है तो आज तक बंद हुई? कहे तो निरंतर चलेगी और कोई सरकार उसको बंद नहीं कर पाएगी, भाजपा हो या कांग्रेस। ये ऐसी योजना है जो हमारी बहनों बेटियों के लिए वरदान साबित होगी और उन परिवारों में आप जाके देखना उनकी खुशी। हम तो अभी विकास यात्रा में गए थे,
प्रसन्नता है। अब किसान सम्मान निधि का जो 6000 केंद्र और 4000 राज्य मिला के दे रहा है, 10000 रुपया साल का हमारे भाइयों को मिल रहा है, तो बहनों को अगर 10 से 2 बढ़ा के 12 मिल गया तो क्यों किसको कष्ट होना चाहिए उस विषय पर। देख सकते हैं प्रदेश सरकार के बजट में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और ऐसे में लाडली बहना योजना का जो प्रकल्प सरकार लेकर आई है उसको लेकर भी अपना दावा कर रहे हैं और बजट में क्या कुछ खास प्रावधान औद्योगिक विकास के लिए किए जाने वाले हैं उसकी वानगी भी यहां पर जनता जनार्दन के सामने रख रहे हैं प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, भोपाल।